वेलकम बैक वंस अगेन। और सिचुएशनल सेंटेंसेस की सीरीज में देखिए बहुत ही अच्छी ये टैगलाइन हमारी है आज की, अलग अलग सिचुएशन पर आधारित है, हम लोग इसको बोलते भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। देखिए आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा या आपने खुद कहा होगा, ठीक है, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सी बात, जैसे कि इसमें रोने की कौन सी बात है, यानी इसमें रोने वाली कौन सी बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। भाई ये तो समझा हुआ है, अंडरस्टूड पॉइंट है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, इसमें कहने की कौन सी बात है, ठीक है, आप खा लीजिए, सामने रखा है, आपका घर है, आप रहिए, इसमें कहने की कौन सी बात है ना। इस तरह से अक्सर जो है डेली यूज सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। और देखिए मैंने बार बार आपको बताया, ये चैनल जब से स्टार्टिंग हुआ है आपने बहुत प्यार अपना दिया है, इसमें स्नेह दिया है और आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए सिचुएशनल सेंटेंसेस, ये मैंने बार बार बोला है कि जिस सिचुएशन पर जिस स्थिति में जैसा बोलना हो वैसा सेंटेंस हम बोलते हैं तो सिचुएशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसी को लोग बोलते हैं डेली यूज सेंटेंसेस, यानी डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस हमारे। तो एक्चुअली डेली यूज सेंटेंसेस ये वर्ड अजीब सा है, आपको समझने में भी अजीब लगता है, डेली यूज सेंटेंसेस वो थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशनल सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, इम्प्रेसिव है। सिचुएशनल का मतलब ये होता है कि अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग परिस्थितियों में बोले जाने वाले सेंटेंसेस, ठीक है। और देखिए इस प्रकार मैंने हिंदी लिख दिया है, अब हिंदी की हमें इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। मैंने क्यों नहीं लिखा, आप सोचते हैं हमारा टाइम खराब होगा, ठीक है, टाइम नहीं खराब होगा, इसलिए नहीं खराब होगा कि जब तक मैं लिखूंगा तब तक आप भी कुछ न कुछ सोचेंगे, इसलिए मैं इसकी इंग्लिश भी ऑलरेडी लिखकर नहीं रखा हूं। एक समझाऊंगा उसके बाद अगला, जब तक आप सोचेंगे तब तक मैं लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस से आती है। और इसलिए मैंने बार बार कहा, मैं क्लास में भी बोलता हूं कि राइट डाउन ना करके बल्कि ओरल जो है अगर टेस्ट लिया जाए, ओरली टेस्ट लिया जाए तो ज़्यादा फर्क पड़ता है, उस पर दिमाग पर प्रेशर आता है कि हाँ सोचने में भी इंसान मजबूर होता है, जब तक जेहन में आपकी बात नहीं आएगी, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ चीज़ रट्टा मार हो जाएगी। चलिए मैं पहला लिख देता हूँ, उसके बाद दूसरा भी बताता हूँ, जब तक बताता हूँ तब तक आप भी सोचेंगे कि अगला क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें रोने की कौन सी बात है, मैंने कोने पर लिख दिया है ये फ्रेज, व्हाट्स देयर, व्हाट्स देयर इट मीन्स व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर माने कौन सी बात है, ठीक है, व्हाट इज देयर मीन्स हो गया, इसमें कौन सी बात है, ठीक है। अब आगे इसमें जोड़ देना आपको है, देखिए व्हाट, व्हाट्स देयर, व्हाट्स देयर टू, अब टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटिव है, व्हाट्स देयर टू क्राई, सी आर वाई, व्हाट्स देयर टू क्राई, अब क्राई मीन्स होता है रोना, क्राई का सेंस 90% रोना में आता, ठीक है, ये चिल्लाना में नहीं आता, जो आप लोग चिल्लाना कभी कभी सोचते ना तो ये रोने में ज़्यादा आता है। व्हाट्स देयर टू क्राई मीन्स इसमें रोने वाली कौन सी बात है। अगला देखिए, इसमें हंसने की कौन सी बात है, अब देखिए मैंने पहला लिख दिया, सेम ऐसे ही होगा, क्या होगा, केवल यहाँ पर जो मेन वर्ब आपकी वो चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ से फाइनाइट वर्ब जो हट जाए, क्या हो जाएगा, हंसने की, हंसने की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है क्या होती है, करेक्ट, लाफ, एल ए यू जी एच, बस यहाँ पर केवल लाफ लाकर आपको रख देना, बाकी सेम सब कुछ वैसा रहेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब तब तक आप सोचेंगे इसमें हंसने की कौन सी बात है, तो व्हाट्स देयर टू लाफ, एल ए यू जी एच, व्हाट्स देयर टू लाफ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। अगला है, इसमें समझने की कौन सी बात है, इट मीन्स ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है, एकदम क्लियर है भैया, इसमें समझने की कौन सी बात है, ठीक, तो इसमें समझने की कौन सी बात है, सेम क्या होगा, व्हाट्स देयर टू, उसके बाद अंडरस्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला है, इसमें कहने की कौन सी बात है, सिचुएशन होती है देखिए हमारे सामने, हम अक्सर बोलते हैं भाई आपका घर है, जब तक चाहे तब तक रहिए, ठीक है, आपकी ही तो है, ले लीजिए इसको, इसमें पूछने की कौन सी बात है ना, इसमें कहने की कौन सी बात है, तो क्या होगा, व्हाट्स देयर टू से, व्हाट्स देयर टू से, इसमें कहने की कौन सी बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, तो क्या होगा, व्हाट्स देयर टू आस्क, है ना। अगला देखिए, इसमें ना कहने वाली कौन सी बात है, भाई आपने तो ना कह दिया, इसमें ना कहने वाली कौन सी बात है, इतना बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स देयर टू से नो, व्हाट्स देयर टू से नो, जो टू लिखा आपने से उसमें नो जोड़ देंगे, व्हाट्स देयर टू से और आगे हो जाएगा नो, व्हाट्स देयर टू से नो, तो है ना कमाल का ये फ्रेज, कितना बढ़िया है, अक्सर हमारे काम में आता है। तो आपको क्या रखना है, क्या दिमाग में रखना है, व्हाट इज देयर, व्हाट्स देयर, है ना।
बस दिमाग में रखो वर्ड्स देयर, उसके बाद टू लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। क्लियर हो गया कि इसमें कौन सी बात है? ठीक है।